आप सबको एक बड़ा सवाल है, मुझे प्रदेश सभा लेते आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। रोजेदारों के बीच बैठकर विस्बमन करना, भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना, ये कांग्रेस की एक परंपरा सी बनती जा रही है। देखिए आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने के, आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं, दंगा फसाद बहुत ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। रोजेदारों के बीच बैठकर विस्बमन करना, भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना, ये कांग्रेस की एक परंपरा सी बनती जा रही है। दंगे फसाद की बात क्यों करना थी पवित्र धार्मिक कार्यक्रम के अंदर, लेकिन विभाजन की राजनीति कांग्रेस का एक पिछले चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा, ऐसे ही अल्पसंख्यक समाज के बीच में बैठकर वो इस तरह की बात पिछले चुनाव पे भी कर रहे थे। आखिर कब तक कमलनाथ जी इस तरह की सांप्रदायिकता का विस्फोटन करेंगे? ये कोई कांग्रेस की मीटिंग थोड़ी थी। कमलनाथ जी, कांग्रेस तो एक नहीं रख पाए आप, देश तो एक रहने दो। आप कभी भी इस तरह का बयान दे देते हो, बयान सुनना है तो कल अब्दुल कादरी जी का सुनते जिन्हें मोदी जी की तारीफ की, परसों गुलाम नबी आजाद जी का सुनते, और उनको अगर सुन लेते तो शायद इस तरह की बातें आपके श्री मुख से नहीं निकलती। आप सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा से वोटों के लिए।